अभी हम लोग है हरिद्वार में, यू कैन सी अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे उतरे और लास्ट टाइम भी हम लोग हरिद्वार में आए थे, तो हम लोग एक्चुअली स्टेशन से डायरेक्टली बांद्रा चले गए थे मुंबई, ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए थे हरिद्वार, क्योंकि हम लोग जिम कॉर्बिट से हरिद्वार से हमारा ट्रेन था तो हम लोग चले गए थे इन शॉर्ट। और अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले ऋषिकेश, ऋषिकेश से फिर हम लोग जाएंगे चंबा, चंबा से भी और आगे हम लोग जाएंगे कानाताल। तो कानाताल में हम लोग एक जगह पे रुकने वाले हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही यूनिक सा स्टेकेशन है जो हम लोग आपको दिखाएंगे आगे। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ जियोडेसिक डोम एंड उसको भी एक्सप्लोर करके आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। एंड चलो अभी हम लोग हमारा आगे का सफर करते हैं, तब तक आप हमारा अभी तक जो हुआ है छोटा मोटा सफर एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड कीप वॉचिंग। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं कानाताल के मेन मार्केट में जो कि था अराउंड 62 किलोमीटर, ऋषिकेश से 62 किलोमीटर था। और यहां पे आके अभी व्हाट वी आर हैविंग इज वी आर हैविंग चाउमीन, चाउमीन वहां पे चाइनीज बोला जाता है, यहां पे चाउमीन बोला जाता है उसको। अच्छा था, टेस्टी था, एक हमने लिया, एक खाया हमने, वापस हम लोग ने एक और ऑर्डर किया और मोमोज भी खाए, अभी हम लोग को यहाँ से 14 किलोमीटर और जाना है। हम लोग जिप्सी में बैठ गए हैं और अभी हम लोग क्या खा रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, इट्स मोर देन ब्यूटीफुल, इट्स एलिगेंट, इट्स इको फ्रेंडली एंड इट इज। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना तो ये जो नहीं बोलना चाह रही है मैं आपको गाइस दिखाई देता हूँ कि हम लोग एक छोटा सा मैं आपको ग्लिम्सेस दे देता हूँ ये जगह के, पूरा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पूरा मैं आपको कल बताऊंगा ये क्या है। ये देखिए अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से तो आप लोग देख सकते हो, ये हम लोग है कुछ 5800 फीट ऊपर और वहाँ सामने जो दिख रहा है आपको वो हिमालयन रेंज है जो यहाँ से दिख रहे, क्लियरली विजिबल तो नहीं है बट वो मॉर्निंग में जब थोड़ा वेदर क्लियर होगा और तब आपको अच्छे से दिखेगा। और ये ऐसे डॉम्स है देखो, वो देखो वैसे वाले डॉम्स में हम लोग रुके, टोटल 6 डॉम्स हैं, हम लोग आपको दिखाएंगे कल। और ये है वो बेड, यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड है। सो वी आर ऑल सेट गाइस, अभी हम लोग मस्त फ्रेश वगैरह होके आके रेस्टोरेंट में बैठे हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर डिनर। बहुत जल्दी हम लोग 7:30 बजे ही डिनर कर रहे हैं बिकॉज वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आने के बाद हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था बीच में, दैट्स वाई वी वेर वेरी हंग्री। सो मस्त पनीर वगैरह की भाजी, हीटर का कुछ नहीं रहा, नहीं ठीक है इतना भी ज्यादा कोल्ड नहीं है, बेरेबल है, हां बेरेबल है। सो वी विल सी यू टुमारो मॉर्निंग विद अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू और आल्सो विल शो यू हाउ द नाइट लुक्स हियर, इट रियली लिटरली द सिटी बिलो द माउंटेन इज ग्लिटरिंग एंड शाइनिंग राइट नाउ। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कानाताल में और हमारा जो स्टे है वहाँ पे हम लोगों ने कल एक नाइट ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है और बहुत ही यहाँ का जो वेदर है वो अभी काफी अच्छा है, काफी प्लीजेंट है, क्योंकि बिकॉज़ इट्स नॉट दैट कोल्ड राइट नाउ। और हमें बता रहे थे भाई कि यहाँ पे -2 डिग्री भी टेम्परेचर गया था बट अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 6-7 डिग्रीज के आसपास, तो यहाँ पे ठंडी है बट बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है, बर्दाश्त कर सकते हैं, देर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे स्नोफॉल हो 1-2 दिन में, क्योंकि हमारे पीछे एज यू कैन सी वहाँ पे वो यहाँ पे पूरा हिमालयन रेंज दिख रहे हैं, वो पूरे अभी नहीं दिख रहे, अभी थोड़े ढक गए हैं, सुबह में हम लोग जब उठे थे तो वो प्रॉपरली दिख रहे थे और हमारे पीछे वो चाइना भी दिख ही रहा है क्योंकि चाइना के माउंटेन्स पूरे दिख रहे हैं पीछे। तो गाइस इट इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग टू बी स्टेइंग हियर एट सच अ सेक्लूडेड प्रॉपर्टी जहाँ पे अभी तक कोई आया नहीं, वी आर लाइक द फर्स्ट और सेकंड वन, देयर इज लाइक 6 डोम्स एंड इसमें आप रह सकते हो, ये बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ स्टे है और ये बहुत ही रेयर है इंडिया में, तो आपको काफी मजा आएगा यहाँ पे रुकने के लिए। देन अदर देन दैट उससे भी सबसे बेहतरीन बात ये है कि आपको आपके रूम से हिमालयन रेंजेस देखने मिलते हैं, कैन यू इमेजिन, आई मीन हाउ लकी आर वी, वहाँ पे जो ऊपर स्नो है वो भी देखने मिलता है। Yeah, the ranges and the snow caps. It looks really pretty, जैसे आप जैसे movies में देखते थे वैसे। So वो तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे food वगैरह भी काफी अच्छे हैं, हमने अब तक try किया। And अभी हम चलो आपको दिखाते हैं जो domes है वो कैसे अंदर से दिखते हैं।
एंड पूरा ओवरऑल व्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ओके स्टे ट्यून्ड. एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो. एंड इट कीप्स अस मोटिवेटेड. कमेंट कर दो, शेयर कर दो एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो. तो चलो आओ आपको बताओ मैं कि कैसे दिखता है अंदर से ये डोम. This is dome number 3 where we are staying, but वो messy है, so you're not gonna get to see that one. Come with me. We'll take out the number 4 one, जिससे सबसे बेहतरीन व्यू मिलता है इस पूरे सारे जो भी डोम है उसमें से. So अभी हम खड़े हैं dome number 4 के सामने और यहाँ पे है dome number 5 and 6, जिसके पीछे आप व्यूज देख सकते हो. Let's explore the dome number 4 right now. देख सकते हो आप कितना लग्जूरियसली बनाया गया है इससे. एंड जो बाथरूम है इट इज एनक्लोज बाय ग्लास डोर्स एंड इससे यू नो ठंडी ज्यादा जल्दी से अंदर नहीं जाती है. इट कीप्स यू वार्म व्हाइल यू आर बाथिंग. एंड इसके बाद हम देखेंगे जो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट और बेस्ट चीज है वो है ये व्यू. और इस व्यू को एंजॉय कर सकते हो आप यहाँ बैठ के अपनी चाय सिप करते हुए सुबह या शाम. एंड वो देखो हिमालयन रेंजेस दिख रहे हैं यहाँ से जैसे हम बता रहे थे. तो यही है वो USP, यही है वो स्पेशलिटी इस जगह की जिसकी वजह से हम आपको प्रॉमिस कर सकते हैं कि आपका स्टे बेस्ट होगा और आपको यहाँ आना ही पड़ेगा. तो जो भी इसकी डिटेल्स है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा. चलो इसके साथ अभी बाकी की चीज़ें जो है ये प्रॉपर्टी में लाइक द रेस्टोरेंट एंड अदर स्टाफ एंड व्हाट एडवेंचर्स वी कैन डू हियर इन कनाडा वो देखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. Another day we are starting with fun and adventure. और इसके लिए हमें यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर दूर जाना है और हम सब रेडी है. हमारा एरी, if you don't know, हमारा जो ड्रोन है उसका नाम है एरी. So, yeah, ये मेरे नाम रखा था. No, don't cringe. So, एरी और हमारा जो कैमरा है everything is set. We are heading for an adventure and we are excited. We don't know what it's gonna be. और ये actually नीचे भी है. We'll show you. But उसके थोड़ा दूर पे भी है तो owner है उन्होंने suggest किया. So, we're going there. So, चलो. तो ये वाला जो एडवेंचर स्पॉट है गाइज ये हमारे स्टेकेशन से पास में है. वैसे इसके जस्ट आगे एक वहाँ पे एकदम जस्ट सामने भी है हमारे स्टेकेशन से जहाँ पे हम लोग रुके वहाँ से. और ये वाला दूसरे नंबर का हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो तीसरा नंबर का एडवेंचर स्पॉट है जो कि बड़ा है. वहाँ पे 72 समथिंग एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो. तो थोड़ा सा 5 मिनट हम लोग वॉक करेंगे और वहाँ पर पहुँच जाएंगे. वो इनक्रेडिबल एडवेंचर जिसमें स्काई वॉक है, जिप लाइनिंग, वॉल क्लाइंबिंग, वैली क्रॉसिंग, स्काई साइकिलिंग और बिगेस्ट जायंट स्विंग, बहुत सारी चीजें देखते हैं. है ना? मैं वॉल क्लाइंबिंग छोड़ के शायद कब करूंगी.